सत श्री अकाल दा खालसा टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं राहुल कला शाम 5 बजे तक दी खास खबर लैके हाजिर होया। जलंधर जिमनी चोण के लिए 10 मई में वोटिंग होनी है, तो अज यानी कि 8 मई में शाम 5 बजे तो बाद जो प्रचार है उसके उपर रोक लगा दी गई है। सिर्फ हुण उम्मीदवार ही डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। बाहरी सूबों तो या फिर बाहरी जिलों तो आए हुए तमाम वो सारे लीडर जलंधर लोग सभा हलका छड़ के अज चले जाएंगे। इस तो बाद 10 मई को वोटिंग होगी, तो नतीजे 13 मई को ऐलान दिए जाएंगे। लोग सभा जलंधर आज़ादी तो बाद ही होंद विच आई सी, तो 1952 दे विच सब तो पहला कांग्रेस के ही अमरनाथ पहले लोग सभा के मैंबर चुने गए सन। हल्के की जिमनी चोण जी हैगी है 30 साल बाद हो रही है। इस तो पहला 1993 दे विच हुई सी जदों कांग्रेस के यश जिहड़े हैगे उन्हां दी मौत तो बाद खाली हुई सी। तो हुण 2023 दे विच जिहड़े इस सीट की उपर दोबारा जिमनी चोण हो रही है, क्योंकि संतोख चौधरी के देहांत तो बाद सीट खाली हुई सी। तो हुण देखना होगा कि समा थोड़ा रह चुकिया, वोटर जलंधर के की अपना फैसला सुनाते हैं। कपूरथला के बेगोवाल सुभानपुर रोड के उपर नडाला चौंक नेड़े सोमवार सवेरे 7:30 बजे एक तेज़ रफ्तार बजरी नाल भरे हुए टिप्पर ने बच्चों के नाल भरी हुई स्कूल बस नूं टक्कर मार दिती। इस हादसे दे विच बस दे साइड वाले शीशे जिहड़े हैगे चकनाचूर हो गए, तो बस दे विच बैठे बच्चे बाल बाल जिहड़े बच गए सन, पर कुछ जिहड़े विद्यार्थी सी उस दे विच बस दे विच बैठे हुए उन्हां दे मामूली सट्टां लगियां। प्राप्त जो जानकारी हुई है उसके अनुसार सोमवार सवेरे एक तेज़ रफ्तार टिप्पर जिहड़ा हैगा बजरी लैके बेगोवाल तो सुभानपुर वालों जा रहा सी। टिप्पर चालक ने बिना साइड देखे हुए नडाला चौंक नूं पार करन दी कोशिश की, तो ढिलवां रोड वालों आ रही स्कूल बस जी एक निजी स्कूल की हुंदी है बस उसके नाल टक्कर हो जाती है। उधर पठानकोट के नाल लगते पहाड़ी इलाके धार दे विच एक दर्दनाक घटना वापरी है। इस पठानकोट के इस एरिए उस समय हफड़ा दफड़ी मच जाती है जदों जम्मू कश्मीर के बादशोली तो माता के दर्शन करके एक श्रद्धालुओं का जत्था पठानकोट नू जिहड़ा वापस आ रहा हुंदा, तां कार जिहड़ी उन्हां दी रणजीत सागर डैम की सुरक्षा चौंकी नंबर 6 नेड़े अचानक बेकाबू होकर खड्ड दे विच जा डिगदी है। कार दे विच सवार 8 लोगों दे विचों 75 साल की एक महिला की मौत हो जाती है। फिलहाल लोगों ते पुलिस की मदद के नाल जो सवारियां सी गड्डी दे विच बैठी हुई उन्हां नू सुरक्षित बाहर कढ लिया। पुलिस ने 6 जख्मियों नू निजी हस्पताल दे विच भर्ती करवाया। नूरपुर बेदी के अधीन पेंदे पिंड चौंतां दे विच उस समय भयानक हादसा वापरिया जदों सतलुज दरिया के दूजे पासे अपने खेतों के काम करके वापस घर नू आ रहे जो 2 लोग आ रहे सन, ते उन्हां दी दरिया दे विच किश्ती पलट जाती है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो एक हाले तक भी लापता है। जानकारी अनुसार राम लुभाया पुत्र हरदेव लाल जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल है इसकी मौत हो जाती है, जबकि दूसरा जो उसके नाल दरिया दे विच गया होया सी दरिया पार करके भगत राम वह लापता है। अमृतसर के सरहदी पिंड दौके दे विच BSF नूं बीती रात वड्डी कामयाबी मिली है। रात 10 बजे के करीब एक ड्रोन की हलचल देखी गई सी, जिस तों बाद बटालियन 22 के जवानों ने रात के समय गश्त किया। 2 घंटे की तलाशी मुहिम के दौरान BSF नूं पिंड दौके दे विच एक संतरी रंग का पैकेट मिलिया, बैग मिलिया जिस दे विच 4 पैकेट हैरोइन दे रखे हुए सी। इस नूं ड्रोन तो सुट्टन दे लई एक हुक की भी वरतों की गई सी। इस दे नाल ही तस्करां वल्लों एक टार्च भी भेजी गई सी। जब्त की गई खेप का जिहड़ा भार हैगा 1.5 किलो के करीब दसया जा रहा है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार दे विच कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए है। विदेशों के पंजाबियों दी मौतां दा सिलसिला लगातार असी देख रहे हैं, खबर भी आ रही, तो अजिही एक होर दर्दनाक खबर कैनेडा तो आई है। 7 महीने पहला कैनेडा गए 28 साल के पंजाबी नौजवान की पैरी साउंड ओंटारीओ कैनेडा दे विच भयानक सड़क हादसे के दौरान मौत हो जाती है। नौजवान 15 अप्रैल में हादसे का शिकार होंदा है। लुधियाणा के तहसील पायल के पिंड दुराहा का रहने वाला सी ये नौजवान, जिसकी पछाण जी है अमनप्रीत वजो हुई है। बीते दिन अमेरिका के टैक्सास सूबे दे विच शॉपिंग मॉल के अंदर जो गोलीबारी की घटना वापरी सी, इस दे विच एक भारतीय मूल की 22 साल की लड़की की मौत होने की पुष्टि हुई है। मृतक की पछाण जी है वह ऐश्वर्या ताती कोडा वजो हुई है, जो हैदराबाद की रहने वाली सी। गोलीबारी दे विच ऐश्वर्या समेत 9 लोगों की मौत हुई सी। बड़गाम के रहने वाले एक नौजवान सिख ट्रैकर ने
सिख भाईचारे अते इलाके दा नाम रोशन कर दिता है। अमनप्रीत सिंह ने पहली बार सोरस झील ते पहुँच के पवित्र निशान साहब लहराया। सोरस झील अनंतनाग जिले दे विच पैंदी है, लगभग 3600 मीटर उचाई ते स्थित है। इस सैलानियों के लिए खास करके बसंत रुत्त दे विच खिच दा केंद्र हुंदा ता इस सर्द भरे मौसम दे विच इस सिख नौजवान ने अमनप्रीत सिंह ने निशान साहब झुल के जिहड़ा हैगा सिख भाईचारे दा ते नाल दी नाल इलाके दा मान वधाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया दे कतल मामले नूं जिहड़ा हैगा उस दे विच फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कतल नूं रोकण दे विच नाकाम रहण लई तिहाड़ जेल प्रशासन जिहड़ा जिम्मेदार है। अदालत ने जेल प्रशासन तों स्टेटस रिपोर्ट भी मंग ली है। जेल सुपरिटेंडेंट नूं अदालत दे विच निजी तौर दे उपर पेश होण दे भी हुक्म जारी कर दित्ते ने। हाई कोर्ट ने कहा है कि अजिहियां घटनावां बर्दाश्त नहीं कीतियां जा सकदियां। अदालत ने हुक्म ताजपुरिया दे पिता अते भरा वल्लों मामले की सीबीआई जांच की मंग करन वाली पटीशन ते सुनवाई करते हुए दी है। फिलहाल 5 बजे तक दी इन्हां खबरां दे विच इन्ना ही। मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।